हेलो गाइस, मेरा नाम है पिंटू यादव। स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हमारे पास है ये एक रॉक रोलर मॉन्स्टर ट्रक है और इसको आप देख सकते हैं ये एकदम चालू कंडीशन के अंदर है। तो आज हम इसकी जो मोटर है उसको एक्सचेंज करके आप लोगों को दिखाएंगे और इसके साथ साथ ही मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊँगा जिसके अंदर है इसकी स्पीड को हम दुगुना कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें चाहिएगी ये दो डीसी मोटर। आप चाहो तो ये है, एक भी होगी आपके पास तो भी चल सकती हैं। और ये है हमारे पास दो स्क्रू ड्राइवर, ये है एक ब्रश। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ये देखिए, ये एकदम चालू कंडीशन के अंदर है और इसकी स्पीड भी है वो आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो इस रॉक रोलर के अंदर है वो दो डीसी मोटर आती हैं, एक यहाँ पर लगी हुई होती हैं और एक यहाँ पर। और ये जो दोनों मोटर हैं वो सेम कैपेसिटी की होती हैं और सेम पावर की होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक मोटर और लगी हुई होती हैं जिसके द्वारा ये लेफ्ट राइट होती हैं। तो चलिए अब हम इस वाली मोटर को वो एक्सचेंज करके आप लोगों को दिखाएँ, क्योंकि इस वाली को अगर खोलेंगे तो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। बाकी चीज़ें हैं वो दोनों के अंदर हैं वो सेम आती हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, हमने इसके सभी स्क्रू हैं वो खोल लिए। अब हम खोलते हैं इस वाली को। तो ये देख सकते हो गाइस, इसके अंदर हैं वो ये लगी हुई है हमारी मोटर। और ये देखिए, ये है इसका गियर बॉक्स, ये गिरारे लगी हुई हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हो किस तरीके से हैं वो धूल मिट्टी जम चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए, वह इसकी मोटर को एक्सचेंज करने के लिए हैं, सबसे पहले आपको इसको हटा लेना है। ये देख सकते हो गाइस, आप इस पर वो कैसे हैं वो मिट्टी है और जो इसका ग्रीस है वो जम चुका है। तो चलिए इसको रख देते हैं हम साइड में। और गाइज, अब आप देख सकते हो ये है हमारी मोटर। तो इसको भी हम यहाँ से हैं वो बाहर निकाल लेते हैं। इस मोटर के ऊपर हैं वो कुछ किस इस तरीके की हैं वो जंग है वो लग चुकी हैं। और ये देख सकते हो आप, इसके अंदर है वो पूरे के अंदर मिट्टी फंस चुकी हैं। तो मोटर को एक्सचेंज करने के लिए सबसे पहले हमें हैं इसके ये जो दोनों तार हैं इसको यहाँ से हटाने पड़ेंगे। और इसको बड़ी ही सावधानी से हटाना है, क्योंकि अगर इसका ये वाला जो ट्रांजिस्टर है ये अगर टूट गया तो आपकी मोटर है वो एकदम से ख़राब हो जाएगी। और गाइज, हमने हैं इसके दोनों तार हैं वो उसको हैं वो हटा लिया। ये कहाँ पे उलझ गया रे। तो ये हमने इसके जो दोनों तार हैं उसको यहाँ से हटा दिया है। और इस मोटर की हालत है वो आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर है वो किस तरीके से वो कचरा फंस चुका है, जिसके कारण है ये इसकी स्पीड है वो भी कम हो चुकी है। तो चलिए इस मोटर को तो रख देते हैं हम साइड में और इसकी जगह हम इन दोनों में से वो किसी एक मोटर को आप लोगों को है वो लगा कर दिखाएंगे। और किसी भी मोटर को एक्सचेंज करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ है वो आप लोगों को ज़रूर देख लेनी है। यहाँ पर देखो, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10.4, मतलब 10.4 पावर की हैं ये जो मोटर हैं। और ये जो हमने नई ले रखी हैं उसकी पावर भी आपको लोगों को चेक कर लेनी है। ये आप देख पा रहे होंगे, इसकी भी है 10.4 हैं। तो हम हैं इस मोटर की जगह इसको हैं वो बदल सकते हैं। तो चलिए इस गिरारी को भी हम हैं वो निकाल लेते हैं और इसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब आपको लेनी है ये वाली ब्रश। और सबसे पहले हम इसके जो ये है उसको साफ कर लेनी है ब्रश से एकदम से अच्छी तरीके से, ताकि इसके अंदर की जो मिट्टी है वो निकल जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमारी गिरारी है वो एकदम से साफ हो चुकी है। आप देख सकते हो इसकी कंडीशन है वो एकदम न्यू हो चुकी है। और ये देखिए, और इस ब्रश की हालत है वो आप देख पा रहे होंगे कितनी है वो खराब हो चुकी है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को इन जो दोनों तार्स को है वो एकदम से ऐसे सीधा कर लेना है। और फिर इस वाली मोटर को है वो थोड़ा सा ऊपर करके और कुछ इस तरीके से वो इसको अंदर डालना है। ये आप देख पा रहे होंगे, तो इसको कुछ इस तरीके से अंदर डालना है। इसको अंदर डालने के बाद हैं वो आप लोगों को हैं वो इसको यहाँ पर हैं वो थोड़ा सा हैं वो ऐसे मोड़ देना है यहाँ से, ताकि ये बाहर न निकले। तो इसके बाद इस वाले तार को भी कुछ सेम इसी तरीके से अंदर डाल देना है। तो फ्रेंड्स, फाइनली कुछ इस तरीके से हमने हैं इसके अंदर हैं वो दोनों तार हैं वो लगा दिए हैं। तो अब हम इसको एक बार आप लोगों को चेक करके भी दिखा देते हैं कि ये एकदम से सही तरीके से लगी हैं या नहीं। तो ये रॉक रोलर को ऑन कर लिया है, ये रिमोट कंट्रोल। और ये देखिए, इसकी जो मोटर हैं वो घूम पा रही हैं। ये देखिए, मतलब हमारा मिशन है वो एकदम आधा सक्सेसफुल हो चुका है। और आधा मिशन है वो इसको अंदर डालने के बाद सक्सेसफुल होगा।
तो चलिए अब हम इसके अंदर डालकर भी आप लोगों को इसकी स्पीड टेस्ट करा कर वो दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस रिमोट को कर लिया है ऑन और ये देख सकते हो आप ये है इसे कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम इसकी स्पीड टेस्ट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि इसकी स्पीड में वो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये देखिए गाइस जब इसकी स्पीड है वो आप देख सकते हो और ये देखिए गाइस और ये गाइस इसकी स्पीड है वो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फास्ट हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से हैं वो आप देख सकते हैं कि इसकी मोटर को एक्सचेंज करके या इसकी मोटर के अंदर की सफाई करने के बाद इसकी जो स्पीड है वो पहले से है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको महाराज का ये वीडियो? अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं इसी तरीके के वीडियो हैं वो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।